एक ऐसी इकलौती बाइक जिसको देख के हमारे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि भाई काश ऐसी बाइक हमारे घर पे हमारे पास खड़ी हो। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप 16 लाख रुपए की बाइक के मजे ले सकते हैं, क्यों? बैक टू मई चलतर कैसे अपनी फैमिली फाइनली हम बैक टू द वीडियो। अगर मैं स्पेसिफिक बाइक की बात करूं तो ये है एक बजाज डोमिनार मॉडिफाइड इनटू अ सुजुकी हायाबुसा। काफी टाइम पहले एक और वीडियो बनाई थी यार हम लोगों ने, उसमें भी डोमिनार दिखाई गई थी, बट उसमें कलर अलग था, इसमें कलर अलग है और स्पेसिफिकेशन में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अगर चाहिए इंडिकेटर ब्लिंकिंग तो भाई संजू भाई आपको इंडिकेटर ब्लिंकिंग देते हैं, अगर आपको डुअल डिस्क चाहिए तो वो डुअल डिस्क देते हैं। मतलब आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से सारी चीजें करी जाती है। तो एक काम करते हैं यार, इस बाइक के करता दर्ता से बात करते कि भाई कितना टाइम, कितना बजट, कैसे कैसे उन्होंने बाइक पूरी कस्टमाइज करी है, तो करते हैं संजू भाई से बात। संजू भाई से बात करने से पहले, क्या आप लोग एक सेकंड हैंड बाइक परचेज करना चाहते हैं? तो आप अपनी बाइक परचेज कर सकते हैं बाइक 24 पर घर बैठे बैठे बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। और सबसे अच्छी बात क्या है कि भाई आपको 1500 से भी ज्यादा ऑप्शंस वहां पे मिल जाते हैं। और जैसे कि हम सबको पता है कि भाई नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रे में हर किसी पे एक अच्छी डील चल रही है, तो यहाँ पे भी आपको 15000 तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो एक बार मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। मैं आ चुका हूँ बाइक 24 की वेबसाइट पर और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सेकंड हैंड मोटरसाइकिल्स इन इंडिया बाय ऑनलाइन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको चूज योर लोकेशन और चूज योर बजट, ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे। चूज योर लोकेशन मतलब आप अपना जहाँ पे आप रहते हो, आपको कहाँ की बाइक चाहिए आप वो डालोगे। बजट में आप डालोगे कि अगर आपको 20000 से नीचे की चाहिए या फिर 20000 से ऊपर की चाहिए, तो उससे बहुत आसानी हो जाती है आपको बाइक ढूंढने में। उसके बाद सबसे अच्छी बात क्या है कि भाई आपको 1500 से भी ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 360 रिव्यू ले सकते हो बाइक का। और अगर यार आप बाइक 24 से बाइक लेते हो तो आपको फाइनेंस का भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो अगर आपको कोई बाइक पसंद आती है तो आप उसको रिजर्व करने के लिए थोड़ा सा टोकन अमाउंट भेज सकते हो। टोकन अमाउंट भेजने के बाद आपकी बाइक आपके घर पे आएगी, आप उसकी टेस्ट ड्राइव लोगे। अगर आपको बाइक अच्छी लगती है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है बाइक उसके हिसाब की होती है, तो आप बाइक बाय कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आपको बाइक पसंद नहीं आती है तो नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी है कि 7 दिन के अंदर अंदर आप बाइक वापस भी कर सकते हो। और साथ ही साथ यार आपको 12 मंथ की वारंटी मिलती है। और ये जो भी बाइक्स हैं जिसका भी ऐड डला हुआ है 140 पैरामीटर्स पे, ये सारी की सारी बाइक चेक करी जाती है। फिर इंतजार किस चीज़ का है, इस नवरात्रे करो अपने सपनों की किक स्टार्ट विद बाइक 24। संजू भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया विशेष भाई, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत दिनों बाद चैनल पे आ रहे हो। क्या करें विशेष भाई, आप इतने दिनों बाद दर्शन दिए, हमने बनाई, मैंने बड़ा जिद करके बुलाया विशेष भाई को, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यार आपस में कुछ दोनों की बातचीत हो गई है क्या, कि जो वीडियो नहीं आ रही है। लेकिन वीडियो ना आने का कारण 2 महीने से बरसात। हाँ, सही बात है। विशेष भाई ने अपने पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, तो जाहिर सी बात है टाइम निकालना पड़ेगा। सही बात है। और यही बात है, और कोई वजह नहीं है। एक और चीज़ है, मतलब मैं ऐसी बताना चाहूंगा, भूसा और बॉबर यही दो ऐसी बाइक्स हैं जिन पे बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि भैया बॉबर डालो तो भूसा, भूसा डालो तो बॉबर। बट एक और चीज यार मैं आपको पहले स्टेट कर देता हूँ, भूसा आपके सामने खड़ी है, आपको दिख रही होगी, बट संजू भैया के पास कुछ नए प्रोजेक्ट्स अगर आप लेके आओगे, कुछ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स लेके जाओगे तो और भी बहुत मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, लोगों को भी देखने में मजा आएगा। बट क्या कर सकते हैं भाई, किसी को बॉबर चाहिए तो किसी को भूसा चाहिए, दो ही चीजों की ज्यादा डिमांड है, बहुत डिमांड है। तो भैया अगर हम इस बाइक के बारे में बताएं तो हो जाओ आप शुरू। पहले तो ये कैसे दोस्तों रहो आप, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद हो रही है वीडियो पे मुलाकात। सही बात, विशेष बात आए आज। तो भैया ये है एक डोमिनोर 400 बाइक जिसको बनाया सुजुकी हायाबुसा। ठीक है, ये है भैया दुबई में रहते हैं। अच्छा। हाँ, और उन्हें स्पेशल बोला था यार विशेष भाई से मेरी वीडियो बनवाओ। तो विशेष भाई कुछ यूनिक चीजें बना रहे हैं हम अपना, यूनिक चीजें क्या, एक बाइक आई है बहुत अच्छी यूनिक। अच्छा। कस्टमर से बहुत दिनों से मेरी बात हो रही थी, वो भैया कहने लगे, एक फोटो भेजी है मुझे इन्होंने कि आगे स्प्रिंगर पीछे हार्डटेल, हार्डटेल का मतलब होता है पीछे शॉकर नहीं होता, स्प्रिंग लगे थे, हाँ शॉकर ही नहीं, आगे का स्प्रिंगर है वो भी इन शॉकरों के मुकाबले बहुत कम काम करता है। ठीक है, मैंने उनको पहले बता दिया भैया देखो कभी अचानक ही खड्डे में जाएंगे, अरे यार भैया पहली बात तो इतनी स्पीड से चलाएंगे नहीं। ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे यही पसंद है। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगा वो कॉन्सेप्ट। मैंने कहा भैया इतना पैसा, कह रहा कोई दिक्कत नहीं, मैंने भैया टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, कह रहा उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जाहिर सी बात है जितने भी मॉडिफिकेशन वाले सब ऑनलाइन है, सबसे बात हुई है भैया की, तो मालिक का शुक्र है कि हम पसंद आ गए उनको, काम के मामले में भी जो भी। तो गाड़ी आने वाली है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अरे भैया पहले बता दूंगा क्योंकि भैया को ना आजकल टाइम नहीं है, पापा के साथ जुड़े हुए हैं तो
जाहिर सी बात है यार, थोड़ा सा मैं बिजी हो गया, एक हफ्ते पहले या दो चार दिन पहले मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जाहिर सी बात उसको जरूर कवर करना। तो भैया अगर हम स्पेसिफिक बाइक की बात करें तो थोड़ा सा बाइक के बारे में आप बताओ। भैया बाइक के ना इन्होंने भैया ने फोटो भेजा था, ये तो मुझे भी ये कलर पसंद आया, मैं ठीक है कर देंगे लाइनिंग वगैरह सब कुछ। आगे वही है 130 mm, पीछे अपना जो स्पेशल बूसा में आता है आपको बता दूं, ओरिजिनल बूसा जितना गैप, और आगे USB 4। ठीक है, डुअल डिस्क ब्रेक वर्किंग बड़ी बड़ी आप अच्छा। देख सकते हो कितनी हाँ बड़ी हाँ है। और अपसेट डाउन शॉकर वगैरह दोनों डिस्क ब्रेक, इन चीजों का बजट मैं बता चुका हूँ कि भैया कम से कम 50,000 अलग आ जाता है। अगर आपको प्रॉपर शेप भूसा वाली चाहिए तो लोग कहते कोई दिक्कत नहीं है यार, जहाँ इतना खर्च कर रहे हैं 180 तो 220 में हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बिल्कुल सही है भैया। और दूसरी आती है हमारे साथ टाइम की दिक्कत, टाइम हमें चाहिए। अच्छा हाँ, ये तो लॉकडाउन से पहले की थी तो जाहिर सी बात अब टाइम लग गया इसके अंदर, क्योंकि दो महीने तो सभी रुक गए थे बारिश, और बारिश में ना ये पेंट हो नहीं पाता ढंग से, तो मौसम खुला तो गाड़ी आपके सामने चमक दमक जो भी है देख सकते हो। यार देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा भैया, बस आपको यहीं पे टोकूंगा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ही ऐसी कस्टमाइजेशन शॉप जहां पे मैं बाइक देख के ना एक कमी नहीं निकाल सकता, चाहे वो पेंट हो चाहे वो आपका फिनिशिंग हो, मतलब भाई चमका के रखते हैं। देखो कोई भी चीज ना, आप कोई भी बोर्ड लगा दो, कोई जंग लगा हुआ है, कोई कुछ है, यहाँ पे आपको सारी चीज जो मिलेगी ना, जैसी बाइक आपको वीडियो में देख रही है, मैंने कोई एडिटिंग नहीं कराई है, कुछ नहीं किया, जैसी बाइक है आपके सामने और जैसी मैं देख रहा हूँ वैसे ही आप लोग देख रहे हो। तो भैया आप क्या बता रहे थे पीछे, कुछ बता रहे आप? मैं बता रहा था कि पीछे वही है 190 नंबर टायर, ठीक है, भूसा के अंदर आता है, और गाड़ी की थोड़ी सी लेंथ हमने जो भूसा आती है ना उससे थोड़ी सी एक्सटेंड की है। अच्छा, थोड़ी सी ज्यादा तो अच्छी लगती है थोड़ी सी, नहीं बहुत अच्छी लगती है, बस ये चीजें, बाकी तो भूसा आपने देखी है, बाकी ये काउल जो है ये निकल जाता है, ये तो निकल जाता है, पहले भी दिखा चुका हूँ फिर दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका निकल गया काउल, अगर आपको डुअल सीट चलानी है आप डुअल चला लो, नहीं तो ऐसे सिंगल चलानी है, सिंगल चलानी है, जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं करना होता, इसको अपना प्रेस करा, वायर को खींचा, लॉक, बस लॉक। तो यार भूसा तो आपके सामने है, बाकी भैया ये टैंक पैड वैंक पैड, ये सुजुकी का साइड लोगो वो कुछ चीजें कस्टमर ने भेजा था यार भैया लगा के दो, हाँ। वो फोटो भेजते रहे, मैं करता रहा, बजट जो भी है होता रहा, मतलब वो यार मैं आपको यही बताना चाहूंगा, इसमें आपका जो इंडिकेटर है चारों हाँ, जो चलते हैं वो ब्लिंकर है, वो ब्लिंकर है, कस्टमर के हिसाब से आगे जो लाइट लगी हुई है वो अलग लगी हुई है कस्टमर के हिसाब से, यहाँ पे बाइक में नीचे भी लाइटें लगवाई है कस्टमर ने, क्यों? क्योंकि उसको रात में थोड़ा धूम वाली फील चाहिए या कुछ है, तो उस हिसाब से इन चीजों को मना करता हूँ, क्योंकि जितनी वायरिंग कम ना ज्यादा गाड़ी के अंदर ज्यादा बढ़िया है, नहीं लाइट है वाइट है ना, इतनी ज्यादा वायरिंग फैल जाती है, मैं तो मना ही करता हूँ, लेकिन भैया माने नहीं, दुबई से भेज दी, अब कहोगे तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको, पता नहीं दिखेगी नहीं दिखेगी, बट एक बार देख लेते हैं, तो शायद नहीं दिखेगी। तो अगर हम लाइट की बात करें तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे, यहाँ पे ये दिन में लाइट दिखेगी नहीं दिख रही है। तो भाई संजू भाई का साथ यहीं तक था, भैया ने सब कुछ बता दिया, बाइक कैसे आई कैसे गई, बंदे से ना वो मिले हैं ना वो इनसे मिला है, तो ये ट्रस्ट बेसिस पे चल रहा है भाई, बाइक आपके बिल्कुल सामने है। बाकी अगर मैं अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको बताऊं तो आप आगे के टायर से लेके पीछे का टायर देख सकते हो, पूरी बॉडी जो है ये पूरी फैब्रिकेटेड होती है, आप एक बार स्टिकरिंग वर्क देखो भाई, थोड़ा पास से भी देखोगे ना तो भी आपको लगेगा कि हाँ भाई ये कोई चीज़ बनाई है, क्योंकि जब भी मैं रोड पर निकलता हूँ ना इसे लेके कोई ये चीज़ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि भाई ये भूसा है ये डोमिनार है ये पल्सर है। ये संजू भाई की खासियत है कि भाई अगर यहाँ से भूसा कोई जा रही है तो भैया आप कुछ ना कुछ तो पहल करना। ये साइड मिरर ना ये भैया ने दुबई से भेजे, अच्छा ओरिजिनल भूसा के ही, पता नहीं कितना बजट है, इधर मिल जाते हैं 5-6 हज़ार रुपए के। अच्छा हाँ, ये उन्होंने दुबई से भेजे। काफी लोग ये कमेंट करते हैं कि भैया पल्सर के लगा दिए, अपाचे के लगा दिए, पल्सर 220 के लगाते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था भाई अगर इतना खर्चा कर रहा हूँ तो मैं ये भेजूंगा आपको, मैंने ठीक है मैं लगा दूंगा, वैसे अगर किसी की रिक्वायरमेंट रहेगी तो ये 5,000 खर्चा आता है अलग से। अच्छा ये लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसकी। बाकी भैया मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ मिरर ही नहीं यार, अगर आपको ये फ्यूल कैप भी अगर ओरिजिनल चाहिए हो, आपको ये फुटपैक्स ओरिजिनल चाहिए हो, आपको काउल चाहिए हो, तो सब मिल जाता है मार्केट में, बट पैसा थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है। बाकी यार अगर आपको ये बाइक अच्छी लगी हो, भैया का काम अच्छा लगा हो, तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। थोड़ा सा मैं लेट वीडियोस डाल रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी हो चुका हूँ, बाकी बारिश का सीजन है आप लोगों को पता ही है, तो इसलिए वीडियोस थोड़ी सी कम आ रही है, बाकी ट्रैक पे आ जाएंगे भाई, नया नया काम सीख रहे पापा का तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है यार। एक काम करते हैं भाई, सारी चीज़ें छोड़ो, मुझे पता है कि भाई आप बाइक देखते हो, मेरे को देखते हो, संजू भाई की बातें सुनते हो, उसके बाद जो आप इंतजार करते हो ना, एक तो साउंड और ऊपर से राइडिंग शॉट्स, तो एक काम करते हैं जल्दी से मैं आपको सुनाता हूँ इसकी साउंड, और उसके बाद लेके चलते हैं इसको रोड पे, क्योंकि भाई बजाज डोमिनार को जब आप कस्टमाइज कराते हो ना, इसकी जो साउंड है, अपाचे फेल पल्सर फेल कोई भी बाइक, बेस्ट जो है ना डोमिनार हो गई 400 cc, बेनेली हो गई 400 cc, क्योंकि यार आप लोग अगर भैया को कोई नया प्रोजेक्ट लाओगे, हमें कवर करने बड़ा मज़ा आएगा, आपको देखने में और करवाने वाले को करवाने में बहुत मज़ा आएगा। तो एक काम करता हूँ भाई, आपको जल्दी सुनवाता हूँ एग्जॉस्ट की साउंड, तो एक बार देखो
जेन्युइनली मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर आप बजाज डोमिनार को या कोई भी 400cc बाइक को कस्टमाइज़ कराते हैं तो जब आप इस बाइक को चलाओगे ना, आपको फील आएगा लिटरली कि हाँ भाई इसमें पावर है, इसमें आवाज़ है, और बंदा देख के ही बोलेगा क्यों, क्योंकि भाई अपसाइड डाउन सस्पेंशन हो गया, इसके शॉकर्स हो गए, पीछे मोटर टायर हो गया, सारी चीज़ें अगर आप एक्यूमुलेट करते हो तो भाई ये किसी भूसा से कम नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था 16 लाख का अगर आपको 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख में मज़ा चाहिए तो भाई आपके सामने बाइक खड़ी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लेके चलते हैं रोड पे और कुछ भाई तहलका मचाते हैं रोड पे।